जय हिंद दोस्तों, आज भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021 आ गया। और पर्सनली बात करूं तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मानता हूं, रादर बजट से भी ज्यादा। वो बजट से ज्यादा इसलिए मानता हूं क्योंकि एक जो गाइडेंस देने का काम होता है बजट को, वह आर्थिक सर्वेक्षण करता है। आप बोले बजट को, आप बोले सरकार को, आप बोले पार्लियामेंट को, तो ये काम फाइनली किस डॉक्यूमेंट के और किस सर्वेक्षण के माध्यम से होता है, जो कि बड़ा डिटेल्ड सर्वेक्षण है, वह होता है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है। और बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की एक डिटेल्ड स्थिति को दर्शाने वाला डॉक्यूमेंट और आगे आने वाले चैलेंजेस से अवगत कराने वाला, जो संसद और सरकार को अवगत कराता है। तो यूजुअली जो है वह एक दिन पहले बजट के आता है, तो आज आया है। अब मंडे को बजट प्रस्तुत होगा 1 तारीख को। अब यदि हम इसके ऊपर मेन क्रक्स पे बात करें, तो इसकी थीम से स्टार्ट करें और अंत तक जो मेन बिंदु पे बात करें, तो थीम भी जो थी इसकी वह दो तीन चीजों पर आश्रित थी। एक तो हमारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर इसकी थीम आश्रित थी, दूसरा एक वी शेप रिकवरी जो हो रही है उसके ऊपर आश्रित थी। अभी सर्वे के हिसाब से हम बात करें तो कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अंदेशा है। और यदि रिकवरी की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की बात करें तो इसमें 11% की जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ आप देखिए कि 7.7% की डिक्लाइन, जो कि दुनिया भर की एजेंसीज भी भारत के विषय में वही मानती है, उनसे मिलता जुलता ही आंकड़ा है। और जो ग्रोथ होगी 21-22 में जीडीपी की, वह 11%। इसका मतलब यह हुआ कि प्री कोविड लेवल्स पर हमारी आर्थिक स्थिति को आने में लगभग मोटा मोटी 2 साल लगेंगे, और हमारे ही नहीं ये दुनिया भर में होना है। तो बड़ा स्पष्ट डॉक्यूमेंट बोलता है कि 2 साल लगेंगे चीजों को नॉर्मलाइज होने में, जो कि कोविड के एरा के पहले स्थिति थी। अब इसमें क्या फैक्टर्स समर्थक हैं, क्या फैक्टर्स बाधक बन सकते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें सर्वे के अनुसार, तो इसमें वी शेप की रिकवरी होती हुई दिखती है। और आप ये देखिए कि कोई भी सर्वे जो होता है उसको आप सही में विश्लेषण करते हो तो आप आपके आसपास जो आर्थिक स्थितियां हैं उसको एनालाइज करें, तो हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से लगातार मार्केट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो जिस प्रकार से वी शेप में डिक्लाइन हुआ था, स्वाभाविक था, लॉकडाउन जो था उसमें एक्टिविटी पूरी हॉल्ट हो गई थी, तो वी शेप डिक्लाइन हुआ था और वी शेप ही राइजिंग हो रही है। तो जो समय लगेगा प्री कोविड लेवल पे आने का, वह सर्वे के हिसाब से 2 वर्ष का लगेगा। साथ ही वी शेप रिकवरी दिख रही है। और हम बाजार की स्थिति को देखें तो हमको भी समझ में आ रहा है कि 1.5-2 साल का कालांतर लगेगा नॉर्मलाइजेशन में चीजों की, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी वह लगातार होती भी दिख रही है। अब यदि हम बात करें लॉकडाउन की, तो अप्रैल से लेकर जून तक जो हमने लॉकडाउन किया था, मैं बोलता हूं बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि भारत में बड़ी जनसंख्या है, वृद्धों की जनसंख्या अनुपात के हिसाब से परसेंटेज में तो दूसरे देशों से बहुत कम है, लेकिन फिर भी यदि कंपैरिजन केवल हम करें नंबर्स में तो बहुत बड़ी वृद्ध जनसंख्या भी है, सीमित संसाधन है। तो उस दृष्टिकोण से यदि हमने पहले जान को रखा और बाद में जहान को रखा तो ठीक किया, क्योंकि इकोनॉमी तो रिकवर हो जाती है, जान वापस नहीं आती, और अब रिकवर होती भी दिख भी रही है। तो हम बात करते हैं यदि अप्रैल से जून में जो लॉकडाउन का एक तरह से चरम था, उस समय जो भारत में जीडीपी की गिरावट थी वह 23.9% ऑफ जीडीपी थी नेगेटिव में। मतलब आप मान के चले कि मोटा मोटी 24% थी। लेकिन उसके बाद हम देखें अनलॉक होने के बाद, तो सितंबर की तिमाही में जो गिरावट का परसेंटेज था वह 23.9 से घटकर 7.5% हो गया। तो आप इस हिसाब से देखो तो 2020-21 की जो 6 माही थी, 6 माही को आप दोनों को मिला के देखेंगे तो 5.7% लगभग लगभग
15.7%, मतलब 15.5 और 16% से जीडीपी गिरी 6 महीनों में, यदि हम दोनों को क्लब करके देखते हैं तो। और सर्वे के हिसाब से जो दूसरी 6 माही आने वाली है उसमें जो गिरावट रहेगी वह केवल 0.1% रहेगी। 0.1% मतलब आधे प्रतिशत से भी काफी कम रहेगी। और इसकी जो बड़ी वजह जो दिखा रही है सर्वे, वो दिखा रही है कि सरकारी खर्च का बढ़ना। आप एक बात याद रखिए हमेशा, इकोनॉमी एक ऐसी चीज होती है जब आप पैसा डालते हो तो वहां तरलता आती है। एक बार सरकार पैसा डालना शुरू करती है इकोनॉमी में, किसी तरह से भी खर्च करके, या तो वो मनरेगा के तरह से करे, या लोन डिसबर्समेंट के माध्यम से करे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज को प्रोत्साहित करके उसमें निवेश करके करती है, तो मार्केट में इकोनॉमी में पैसा आना शुरू होता है, तरलता बढ़ती है। मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश ने जीएसटी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जीएसटी की यदि आप बात करते हैं तो जीएसटी तो तभी होता है ना जब माल बिके, मतलब सामने वाला अपनी जेब से पैसा निकाल के दुकानदार को दे रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है। अब उसके लिए आवश्यक है कि जेब में पैसा होना। मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार किसानों के खातों में पैसा डाला, उसका आप ये देखिए कि चाहे वह केंद्र से लेकर डाला हो, केंद्र से मतलब बैंक से लेकर डाला हो, रिजर्व बैंक से लेकर डाला हो, लोन लेके डाला हो, जिस तरह से भी डाला, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आया कि जीडीपी का कलेक्शन बढ़ा। जीडीपी का कलेक्शन सीधे सीधे दिखाता है कि ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है मार्केट में, रोटेशन पैसे का कितना हो रहा है। इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हैं उन पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वे आपको आपका वैल्यूएशन कहाँ रखती हैं। आप भारत सरकार जिस प्रकार से खर्चा करती जा रही है, मार्केट में पैसा डालती जा रही है, उसकी वजह से रिकवरी दिखती जा रही है। अब यदि हम बात करें इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में सबसे जो पॉजिटिव दिखाया था वह खेती किसानी को दिखाया था कि खेती किसानी ने 3.4% की विकास दर दिखाई और जीडीपी में भी इसकी हिस्सेदारी बढ़ी। यदि पिछले साल जो 17.8% थी, 17.8% थी, वह इस साल बढ़कर और लग रहा है कि ये 19.9% हो जाएगी। और इसीलिए जो 3 खेती के बिल हैं ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि 85% जो किसान है भारत का वह बेसिकली छोटा किसान है। छोटा किसान की बार्गेनिंग की क्षमता कम होती है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा तो वो पहले से ही रेट को निर्धारित कर सकता है। फिर जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो सबसे ज्यादा कोई मरता है, कोई पिसता है, तो छोटा किसान पिसता है। अब इसमें जो प्राकृतिक प्रकोप आते हैं और उसमें जो अनिश्चितताएं आती हैं उससे, उसमें जो रिस्क फैक्टर है वह जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका होगा, ना कि छोटे किसान का होगा। तो इससे मुझे भी अपेक्षा है कि खेती का देश के जीडीपी में प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर एक और बहुत बड़ी चीज जो दर्शा रहा है हमारा जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण, कि हेल्थ केयर में सरकार को 2.5 से लेकर 3% खर्च करना चाहिए, अभी लगभग 1% है। और हमको कोरोना ने ये बात सिखा दी कि हेल्थ में सरकार को हेल्थ केयर में 2.5 से लेकर 3% के लगभग खर्च करना चाहिए, जो अभी 1% है। और कोरोना काल में हमने देखा कि हेल्थ कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली सरकार, मुझे अपेक्षा है कि इसमें हो सकता है 3% तक नहीं भी जा पाए तो 2% तक तो डेफिनेटली जाएगी। और मैं सोचता हूँ इसमें एक तरीका और भी हो सकता है जिसका अपोज नहीं करना चाहिए, हो सकता है लोग करें, लेकिन मैं इकोनॉमिकली कुछ हद तक राइट विंग हूं, या कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हो कि एक्सट्रीम राइट विंग हूं, तो मुझे लगता है कि यदि सेस लगा दिया जाए हेल्थ केयर के नाम पर तो कोई बुरी बात नहीं है। सेस बहुत छोटा फिगर होता है टैक्स के रूप में, लेकिन उसका उपयोग यदि केवल हेल्थ केयर में ही किया जाता है और सेस का उपयोग उसी खाते में होगा जहां जिस चीज के लिए लगाया गया है, तो देश को लाभ मिलेगा, लोगों की हेल्थ सुधरेगी। फिर इकोनॉमिक सर्वे में एक और चीज कही है कि भारत को
यदि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो इनोवेशन आवश्यक है। अब हम अभी पांचवें स्थान पर खड़े हैं। अब ब्रिटेन में और हम में यदि देखें तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और अभी ब्रिटेन के एग्जैक्ट पिक्चर आ जाने दें, क्योंकि ब्रिटेन जिस प्रकार से महामारी से जूझ रहा है, निकल नहीं पा रहा, भारत बहुत हद तक निकल चुका है। तो हमको इनोवेशन बढ़ानी होगी यदि हमको तीसरे पायदान पर आना है। अब इनोवेशन डेफिनेटली, क्योंकि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये इनोवेशन और इंटरनेट बेस्ड ही रहनी है, ऑनलाइन बेस्ड रहनी है, डिजिटल रिवोल्यूशन है। तो सरकार का मुझे अपेक्षा है कि जो बजट आएगा, दो तीन चीजों में प्रमुखता से खर्च होगा। उसमें हेल्थ केयर पर होगा, एमएसएमई पर होगा, टेक्नोलॉजी पर होगा। लेकिन मेरा एक और सुझाव है, इसमें सरकार को भी सुझाव है मेरा, कि हमारे यहाँ इनोवेशन के नाम पर सरकार तो खर्च करती है लेकिन हमारा कॉरपोरेट नहीं करता। तो जो सीएसआर है, उस सीएसआर फंड में 1% जो है वह कंपलसरी यदि हम कर दें कि आपको इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना ही है, और उसके एवज में जो खर्च करके दिखाता है वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, उसको इंसेंटिवाइज करें। तो मुझे लगता है कि भारत में पोटेंशियल तो बहुत है, हम आगे और जाएंगे। अब जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस अभी भी सर्विस इंडस्ट्री का रहेगा, सर्वेक्षण के हिसाब से भी। और कुछ चीजें यदि मैं अपने एनालाइज करता हूं तो कुछ चीजें और भी चैलेंजेस हैं। मालिक नहीं करे कि कोई कोरोना की और नई स्ट्रेन आए, जैसे ब्रिटेन में आई है, हालांकि भारत बहुत हद तक निकल चुका है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैक्सीनेशन के प्रति जो नेगेटिव लोग हैं, मैं उनको बोलता हूं जो मूर्ख लोग हैं, जो अपोज करते हैं वैक्सीनेशन को, यह भी इकोनॉमिक रिकवरी को कहीं ना कहीं डिले कर सकते हैं। तो उन लोगों से भी मैं विनती करता हूं कि देश के भला है इस प्रकार की बातें नहीं करें कि वैक्सीनेशन से ये होता है वो होता है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, आर्थिक विकास के लिए भी एक बड़ा बाजार भी है, और विश्व के हिसाब से यदि हम बात करें तो दुनिया की 11 कंट्रीज को तो हम वैक्सीन दे चुके हैं। दुनिया के लिए यह वैक्सीन बहुत आवश्यक है, भारत के लिए भी आवश्यक है। तो जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उनको सचेत रहने की जरूरत है कि देश का हित इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बजट आएगा, बजट में यह तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। एमएसएमई के प्रति रहेगा, मनरेगा जैसी योजनाओं के प्रति और सरकार ज्यादा खर्च करेगी, इनोवेशन के ऊपर ध्यान लेगी और डिजिटलाइजेशन पे देगी। बजट के दिन फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।